दीक्षा ऐप पर रजिस्टर्ड होने के लिए सबसे पहले आपको दीक्षा पोर्टल खोलना होगा और थ्री डॉट पे जाना होगा। थ्री डॉट पे लॉगिन पे जाकर के आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड हियर करना होगा। रजिस्टर्ड हियर करने के बाद आपको अपनी जन्मतिथि डालनी होगी। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपकी जन्मतिथि है, और उस जन्मतिथि को आप डालेंगे जो भी क्लास में आपको जन्मतिथि अपनी याद होनी चाहिए, और अपना नाम आपने डाल दिया। माना मैं अपना नाम कुछ भी डाल देता हूँ, और आपने यदि आपकी ईमेल आईडी है तो ईमेल से आप लॉगिन हो जाएंगे, यदि फिर मोबाइल नंबर, तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं। मोबाइल नंबर से और पासवर्ड कोई भी स्ट्रॉन्ग बनाइए जिसमें जो है सभी प्रकार के कैरेक्टर आ जाएं, स्पेशल कैरेक्टर, और 8 अंकों का होना चाहिए, और जिसमें जो स्पेशल कैरेक्टर और अब हम रजिस्टर हियर पे गए। आपने जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गया। अब आपने जो है OTP डालनी है, जो आपके फ़ोन पे OTP आएगी, ये आ जाएगा 8021009 09। अब आपने फिर से जो है मोबाइल नंबर डाल देना है अपना, और जो आपने अपना पासवर्ड बनाया था फिर आपको लॉगिन हो जाना चाहिए। जो आपने पहले पासवर्ड बनाया वही पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर करना है। अब आप जो है यहाँ पर इस पर लॉगिन हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे विद्यार्थी पे जाएंगे और इसको जारी रखेंगे, वही फिर से आ जाएगा, बोर्ड चुनेंगे। उत्तराखंड हिंदी मीडियम आ जाएगा कक्षा, जैसे मैंने 9th किया था। ये आपका प्रोफाइल हो गया, इसको जमा करें, ये आपका आ गया, वही विज्ञान का आ गया। आपको यहाँ पर जाना है अभी इस पर कोर्स, इस दूसरे आइकन पे कोर्स आने चालू हो जाएंगे, वो 1 मई से चालू होंगे। इस तरह से आप इस ऐप पर जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और लॉगिन हो चुके हैं, आपको इसी की स्क्रीनशॉट भेजकर अपने गुरु लोगों को दिखा देना, और इस तरह से आप यहां पर लॉगिन हो चुके हैं। धन्यवाद।